दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ एपिक रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू उड़ीसा। उड़ीसा जो ट्रैवलर्स की विश लिस्ट में बहुत ऊपर नहीं आता, तो फिर उड़ीसा क्यों? अपने स्टनिंग आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज साइट्स, टेम्पल्स, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, क्राफ्ट वर्क से लेकर कभी ना ख़त्म होने वाले जंगल, पहाड़, सीनिक वाटरफॉल्स, गॉर्जियस बीचेस और वाइल्ड लाइफ, ये उड़ीसा को एक स्पेक्टाकुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। इस सुपर एक्साइटिंग और सुपर कलरफुल जर्नी के पहले हिस्से में हम एक्सप्लोर करेंगे उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल यानी कटक, भुवनेश्वर और पुरी कोणार्क। अपने उड़ीसा के सफर में आज हम पहुंचे हैं इसकी राजधानी भुवनेश्वर, जो एक मारा क्षेत्र या टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अपने सदियों पुराने कलिंगा टेम्पल्स और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर ये शहर आज एक मॉडर्न सिटी है जिसके वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स का कोई जवाब नहीं। और एक चीज जो लाजवाब है वो है यहाँ का लजीज खाना, एंड लास्ट बट नॉट द वेरी लीस्ट इज अ शॉपिंग दैट यू विल मैनेज टू डू हियर। अपने भुवनेश्वर के सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं लिंगराज टेंपल, जो भुवनेश्वर की पहचान है। 11वीं सदी में बना ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेमिसाल उदाहरण है। तो यहाँ एक स्पेशल पोडियम बनाया गया है टेंपल के पिक्चर्स लेने के लिए। अंदर कैमरा या फोन अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ आकर मंदिर के पीछे से यहाँ आकर पिक्चर्स ले सकते हैं और मंदिर का एक अलग व्यू यहाँ से मिलता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू ओवरऑल कैप्चर करता है दिस वेंटेज पॉइंट। तो ओवरऑल ऐसा यहाँ से एक व्यू है, बाहर रोड का भी। और भी बहुत मंदिर हैं यहाँ पे, 150 मंदिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में हैं। सभी घूम पाना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करें जितना भी घूम पाएँ। द आर्किटेक्चर इज स्टुपेंडस, जैसे आप देख सकते हैं। ये कलिंगा आर्किटेक्चर की चरम सीमा थी जब ये लिंगराज टेंपल का निर्माण हुआ। तो स्थान तो अच्छा ही लगता है। लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छा। तो हम फोटो खींच रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम सबका खींचिए, और फिर एक एक करके सब आ गए। लिंगराज टेंपल के पास ही है अनंत वासुदेव का मंदिर बिंदु सागर लेक के किनारे। तो अभी हम वहाँ से निकलकर यहाँ आए हैं। बहुत भीड़ है, इतवार का दिन है, बहुत ही रौनक है। तो ये साग बेच रहे हैं, इमली बेच रहे हैं, ये एक ताल होता है, ताल बेच रहे हैं। इतने सुंदर गुड़हल के फूल जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ना हम इमली खरीद रहे हैं 30 रुपए किलो। एक सलाद है ये क्या है? ये वाला ये आपका साग बोलता है, इसका बोलता है तीतो साग। तीतो साग, तीतो। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको आपका बैगन दे के और एक टमाटर दे के बना सकता है। प्याज नहीं? प्याज, प्याज टमाटर और बैंगन, आलू भी दे सकता है। अच्छा, क्या 5 फोरन देना पहले? हाँ। ऐसी पुरानी धर्मशाला, ये दुधवा वाला धर्मशाला है, हरिद्वार की याद दिला रही है मुझे, जहाँ धर्मशाला ही धर्मशाला है। लोग यहाँ आके बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग या प्रॉबेबली एट नो कॉस्ट रह जाते हैं। पिलग्रिम्स की सिटी है ये भुवनेश्वर। तो खाने पीने का इंतज़ाम और कुछ ऐसा दिखता है अंदर। हाँ,
धर्मशाला के अंदर का नज़ारा। हम लोगों से मिले, पूछा कहाँ से आए, कैसा लग रहा है। बहुत खुश हैं लोग घूम फिर कर। बहुत ही कलरफुल ड्रेसिंग अप है हमारे इंडिया में, बहुत ही अच्छा लगता है। मोनोक्रोम नहीं है। और ये बिंदु सागर लेक का एंट्रेंस। इस कड़कती धूप में ये पानी एकदम सुकून भरा, ठंडक आंखों को दे रहा है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अच्छे का शायद पहला मुंडन। प्री वेडिंग शूट्स, फोटो शूट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर जगह लग रही है ये। और ज़्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे शूट्स हो रहे हैं। इट्स अ वेरी क्वाइट, वेरी सीरीन प्लेस एंड ब्यूटिफुल। तो ये तालाब की आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह लगी हमें। करीब एक घंटा हो गया यहाँ पर और हम जाने का नाम नहीं ले रहे। अब हम आए हैं अनंत वासुदेव मंदिर। 10:30-11 बजे महाप्रसाद का समय रहता है। और ये महाप्रसाद की तैयारी, लकड़ी की आंच पर और मिट्टी की हांडियों में ये भोग महाप्रसाद बनाया जाता है। तो हम मंदिर के दर्शन कर आए हैं, मगर वही स्टोरी है, अंदर पिक्चर लेना अलाउड नहीं है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तीन मूर्तियां थी, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काली मूर्तियां, और सामने ढेरों भोग की हांडियां पड़ी थी जो लोगों ने पैसा डोनेट किया है अपने माँ बाप के नाम या बच्चों के नाम, उनके नाम का सब भोग बना हुआ था। और सैकड़ों हांडियां, मिट्टी की हांडियां भगवान के सामने भोग लगने के लिए पड़ी थी। जितना भोग बनता है पहले भगवान के सामने लाया जाता है, फिर जिन्होंने ऑर्डर किया होता है उनको दिया जाता है। और कुछ यहाँ पर एक महाप्रसाद सेंटर है, वहाँ पर बिकने के लिए आता है। तो हम वहाँ जाके अभी वेट कर रहे हैं कि भोग लग जाए भगवान को, और हम फटाफट जाके खा लें, बहुत भूख लगी है। तो हम भोग के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पर। भोग के लिए आना पड़ेगा, आप मंदिर के अंदर से भी आ सकते हैं। और ये भोग लगातार अब आना शुरू हो गया, और ये अलग अलग स्टॉल्स हैं जहाँ ये भोग अवेलेबल है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। सब्जी साग का साग साग। अच्छा, और ये डालमा है। ये डालमा ही दाल है। ये दाल है। ये मिक्स मिक्स का सब्जी। किसका सब्जी? मिक्स 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 सब्जी। तीखा रहेगा थोड़ा। अच्छा, ये तीखा रहेगा, थोड़ा सा मीठा रहेगा। ये राई का सब्जी। राई का सरसों का। अच्छा, तो वो भी साग हुआ ना? ये वाला साग है। अच्छा, ये वाला राई मिक्स का सब्जी। ये सारा है। अच्छा, ये वाला किस चीज का, वो मुझे समझ नहीं आया। आपका जो सरसों का है, सरसों। हाँ, वही पर मिलता है। अच्छा, चटनी है। चटनी, चने भी आ गए, और हमारा भूख के मारे जान निकल रहा है। और देख देख के इतना बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी पूरा मेनू आया नहीं है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर बेसब्री से। इतनी भूख शायद कभी नहीं लगी देख कर। तो भूख से बेसब्र कस्टमर हाथ लगा रहे हैं कि भैया जल्दी उतारो। ये भात आ गया, चावल। जो लोग घर लेके जा रहे हैं उनके लिए हांडियां तैयार हो रही हैं।
जिसको जितना चाहिए अलग अलग मिट्टी की हांडियों में ले जाते हैं लोग, टिफिन भी लेके आते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये हांडी में भर के दे जाते हैं। और बड़े बड़े बैग लोग लाए हुए हैं वो घर ले जाने के लिए। तो आप प्लेट्स आर हियर, मच अवेटेड, डाइंग ऑफ हंगर एंड सीइंग ऑल दैट वंडरफुल प्रसाद अराउंड इज मेकिंग अस मोर हंग्री। और ये तीसरी तरह का चावल, इसमें अलग अलग क्या है? एक तो सादा है, एक नमकीन है, एक मीठा है, दाल है। हाँ, जो भी दे रहे हो दादा को ज्यादा देना, मुझे कम। डालमा मिक्स वेज साग आ गया, चने और रायता, फ्रूट रायता, रायता थोड़ा सा दे सकते। अभी आया चटनी, कम कम कम। अच्छा लग रहा है, तो मैं ये ले रही हूँ। और ये वाला अच्छा है, तो हम ये दो साड़ी ले रहे हैं उत्कालिका से। तो रौनक देखिए, ये संडे को क्या रौनक मेला लगा हुआ है। हमने बढ़िया शॉपिंग कर ली उत्कालिका से और अब हम जा रहे हैं एक, हम कहाँ जा रहे हैं, एक कामरा क्राफ्ट, दिल्ली हाट की तरह एक क्राफ्ट हाट है यहाँ पर एक कामरा। और कोई वहाँ पर एक फेस्टिवल लगा हुआ है जो आज ही खत्म हो रहा है, तो हम फटाफट वहाँ पर जा रहे हैं। सो वी कम टू दिस एनुअल तोशाली फेस्टिवल, इट्स एन एनुअल क्राफ्ट फेस्टिवल एंड इट्स अ लास्ट डे टुडे, so we have rushed here, let's go in and check it out. और बहुत ही सुंदर लग रहा है, nice and bright, lots and lots of crowds और बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। पीपली वर्क है, पीपली के जो जितने भी हैंगिंग दिख रहे हैं पीपली का एप्लिक वर्क है। और भीड़ देखिए। तो ये अलग अलग कारीगर, अलग अलग क्राफ्ट्समैन आए हुए हैं और थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है कि वो कैसे वो चीज़ें बनाते हैं, कि आप हम जो चीज़ें खरीदते हैं घर में सजाते हैं उनके बनाने का क्या प्रोसेस रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है हर जगह। और यहाँ पटचित्र की ड्राइंग हो रही है, देखें कितना इंट्रिकेट, कितना महीन काम है। और ये पेपर माशे और मेटल पे काम किया हुआ। और ये सब एप्लिक हुआ पीपली का। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, 9 बजने को आए हैं, मेला बंद होने वाला है, लेकिन पीछे भीड़ देखिए। और बहुत 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 दुकानें थी, सैकड़ों हजारों क्राफ्ट पीपल आए हुए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा, कुछ नया इतना मिला नहीं जो हम सूरज कुंड या दिल्ली हाट में नहीं देखते हैं, मगर इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इतना कलरफुल और इतना आर्ट एंड क्राफ्ट,
at one place. Wonderful coming here. So we'll go back and tomorrow it's another day. Bhubaneswar apne mandiron ke alawa apne museums ke liye bahut popular hai. आज भुवनेश्वर में हमारा तीसरा दिन है और आज हम कोई मंदिर देखने नहीं जा रहे हैं, आज हम निकले हैं म्यूजियम्स देखने। तो अगर आप हिस्ट्री बफ हैं, आपका एंथ्रोपोलॉजी आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत पसंद आएगा। हमने तीन म्यूजियम्स का टारगेट रखा है आज के लिए, सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, स्टेट ट्राइबल म्यूजियम और क्राफ्ट म्यूजियम। तो देखते हैं हम तीनों कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वी टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द म्यूजियम्स। तो अब हम आ गए हैं सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट्स विलेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये पद्म विभूषण सुदर्शन साहू ने इस्टेब्लिश किया था और ये गुरुकुल पर बेस्ड है, एक तरह का गुरुकुल है जहाँ स्टूडेंट्स रह के शिल्पकारी की कला को सीखते हैं। पूरे कैंपस में सुदर्शन साहू उनकी बनाई हुई और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ एग्जिबिटेड हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है एक से एक मास्टरपीस है यहाँ पर। आप घंटों शायद दिनों बिता सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इतना कुछ है देखने के लिए। थोड़ा एलिस इन वंडरलैंड वाली फीलिंग आएगी आपको कि जहाँ देखिए वहाँ आपको लगेगा कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और इतना वैरायटी है, नॉर्मली सब रिलीजियस डीटीज हैं मगर उसके अलावा भी बहुत तरह का उन्होंने सब्जेक्ट बनाया है अपनी आर्ट का। देखिए जब आपको लग रहा है अरे आपने तो सब कुछ देख लिया, और फिर ये क्या जबरदस्त लग रहा है। एक बार फिर देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम पहुंच गए हैं स्टेट ट्राइबल म्यूजियम में, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी और ये उड़ीसा की अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग लाइफस्टाइल, अटायर, फूड हैबिट्स, उनके कल्चर्स और ट्रेडिशन को शोकेस करता है। लेट्स गो इन एंड सी, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी मैसिवली इंटरेस्टिंग। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, हमने देखा कि यहाँ फूड कोर्ट है तो हम तुरंत इस तरफ आ गए, बाकी की गैलरीज बाद में देखेंगे, अंदर चलते हैं। तो थाली है यहाँ पर, वेज है, एग, फिश, चिकन, मटन थाली है और थोड़ा सा बैठने का जगह है, क्वाइट सफिशेंट।
तो आज सोमवार है और संक्रांति है, महीने का पहला दिन है, तो मटन नहीं बना है। तो हमने ऑर्डर किया है फिश थाली, साथ में थोड़ा फ्राइड करेला, पापड़, ये शायद है डालमा, दाल, राइस और सैलेड। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमेशा करते हैं, टूट पड़ते हैं। तो हमने खाना खा लिया और अब हम इन लोगों के साथ पिक्चर खिंचवा रहे थे, हमने खिंचवा लिया, इन लोगों से मिल लिया। अब हम सिक्स गैलरी देखने जा रहे हैं। और ये अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग हट्स का यहाँ पोर्ट्रेल किया हुआ है। जैसे ये ट्राइब अपने घरों पे बाहर ये पेंटिंग करती है, ये आर्ट बनाती है। तो हमने ये ट्राइबल म्यूज़ियम देख लिया है और हम बुरी तरह से थक गए हैं। 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पर, 3 से 4 घंटे खाना खा लिया, मगर बहुत थकान हो रही है। एक म्यूज़ियम अभी बाकी है, क्राफ्ट म्यूज़ियम। तो हम विशा हैज़ गॉन टू गेट सम पब्लिकेशन ऑन द ट्राइब्स बिकॉज वी इंटेंड टू विजिट साउथ ओरिसा आफ्टर दिस। अब हम जाएंगे क्राफ्ट म्यूज़ियम, मुझे लगता है पहले उसके कैफ़े में बैठेंगे, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद म्यूज़ियम देखेंगे। और हम पहुंच गए हैं कलाभूमि क्राफ्ट म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, आप सिर्फ स्टिल पिक्चर्स ले सकते हैं। बहुत ही वेल क्यूरेटेड म्यूज़ियम है ये, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है। उड़ीसा के जितने भी क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम है, यहाँ पर उनका डिपिक्शन है। पीपली का एप्लिक वर्क, रघुराजपुर का पट्टचित्र, कटक का फिलीग्री वर्क, शिल्पकारी, यू नेम इट एंड दे हैव इट ऑन डिस्प्ले। वी लव्ड द म्यूज़ियम, इट्स अ मस्ट 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 सी इन भुवनेश्वर। आज का भुवनेश्वर का सफ़र, फिर टेंपल ट्रेल है और हम पहुंचे हैं ये परसू रामेश्वर टेंपल। 7वीं सदी में बना ये टेंपल, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटैक्ट टेंपल्स इन भुवनेश्वर। वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, लेट्स सी व्हाट वी आर एबल टू डू अबाउट इट, लेट्स गो इन। अभी पंडित जी आए कहने कि अरे आप तो डिसेंट लोग लग रहे हैं, आप कैमरे से पिक्चर खींच लो। तो वो कह रहे हैं कि लोग आके इतनी थोड़ी सी फनी हरकतें करते हैं मंदिरों में आके, और आप लोग ठीक ही लग रहे हैं, तो आप कैमरा ले आइए। तो हम कैमरा ला रहे हैं, गिम्बल अलाउड नहीं है, थोड़ा सा शूट कर लेंगे। एकदम एकांत में ये टेंपल है, साथ में एक पार्क है जहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, बाहर 2 पंडित जी बैठे हैं, कोई नहीं है। शायद एक आइडियल टेंपल सेटिंग है अमिडस्ट द ग्रीनरी। और एक से एक शिल्पकारी के उदाहरण सामने हैं हमारे। आप कोई भी वर्क देखिए स्टोन वर्क टेम्पल्स में, सिंपल सी सिंपल चीज़ आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देगी। क्या है, दही बड़ा आलू दम? ठीक है, तो हम दही बड़ा आलू दम खा रहे हैं। भुवनेश्वर आके हमने अभी तक नहीं खाया क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। वी जस्ट वांटेड टू ईट अ लिटिल सेफ। अगर भुवनेश्वर आए और आलू दम दही बड़ा नहीं खा के जाएं, ये हो नहीं सकता। अच्छा, हम गए थे, हम रवि भाई करके एक हैं, उनका बहुत मशहूर स्टॉल है, वहाँ गए थे, लेकिन शायद बंद हो गया था तब तक। तो नाउ इज़ अ टाइम,
ये दही बड़ा साथ में देखे हरी मिर्चे हेलो और ये हमारी प्लेट तैयार हो रही है हेलो ये गया नमक और ये क्या गया तो इसके बाद कितने का चटनी और ये आलू जबरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है देखते ही मुंह में पानी और ये हमारा कच्चा प्याज थोड़ी हरी मिर्च नहीं नहीं अभी कुछ बाकी है अपन बोलता है अब नहीं सो जाए थोड़ा सा कड़क क्रंच के लिए नमकीन जीरा पाउडर जीरा पाउडर थोड़ा पुदीने की चटनी और कुछ और और चम्मच एक और चम्मच एक और एंड रेडी वंडरफुल तो हम फाइनली मुक्तेश्वर टेम्पल पहुंच गए हैं कॉम्प्लेक्स छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत अलग अलग मंदिर हैं यहाँ पर आप परशुरामेश्वर टेम्पल से चल के आ सकते हैं एकदम सामने है आधे मिनट की दूरी पर मुक्तेश्वर टेम्पल जो जिसको उड़िया आर्किटेक्चर या कलिंगा आर्किटेक्चर का जेम माना जाता है हीरा माना जाता है ये आर्च गेटवे जो आप देख रहे हैं ये तोरण गेटवे और पोर्च इससे पहले मंदिरों में यहाँ के मंदिरों में कभी नहीं देखा गया ये बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस का असर है कि एक आर्च गेटवे और तोरण का इसमें एडिशन किया गया बहुत ही पीसफुल कॉम्प्लेक्स है पीछे एक पानी का कुंड है आप वहाँ पे बैठ सकते हैं ग्राउंड्स हैं लॉन है और बहुत भीड़म भाड़ नहीं है और सभी मंदिर आसपास हैं आप चल के जा सकते हैं एक से दूसरे में राजा रानी टेम्पल सिद्धेश्वरी टेम्पल परशु नारायण टेम्पल आप आराम से एक दो मिनट की दूरी पर हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आके यू कैन हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर सबको अच्छा लगेगा तो ये बहुत अच्छी जगह है जब आप मंदिर घूमते घूमते थक गए हैं तो यहाँ पर आके आराम से बैठिए पेड़ों की छाँव में रिलैक्स करिए और फिर दूसरे मंदिर निकल जाइए हमें बहुत ही मज़ा आया एक आया सभी मंदिर एक से बढ़कर एक हैं और आप जितने मज़े देख लीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार लिंगराज टेम्पल डेफिनेटली नंबर वन है क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है और उतनी ही लेकिन भीड़ है मगर सभी मंदिर बहुत खूबसूरत हैं आप दो दिन कम से कम मंदिरों के लिए लेकर आइए दो दिन म्यूजियम्स के लिए लेकर आइए 4 days मिनिमम यू नीड फॉर भुवनेश्वर फिर खाना पीना और वो तो सब है ही सुबह के 9:30 हैं और हम पहुंचे हैं राम मंदिर टिफिन सेंटर ये बहुत ही पॉपुलर जॉइंट है स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के लिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर तो ये पराठे सीख रहे हैं यहाँ पराठा मिलता है ये दही बड़ा है उत्पम मिल जाएगा विशा ने लिया है पूरी और डालमा उपमा मिलता है इडली मिल रहा है उत्पम है और पौड़ा दिख रहा है ये छेना पौड़ा है आप जो मन चाहे ले लें एकदम क्विक सर्विस है एक मिनट में उन्होंने हमें नाश्ता दे दिया एक सेकंड में आ पेड़ों की छांव के नीचे खाने का व्यवस्था है व्यवस्था क्या है आप बैठ जाइए पेड़ों की छांव में और आराम से खाइए सस्ता सुंदर नाश्ता है तो इस लाजवाब नाश्ते के साथ हमारा ये खूबसूरत भुवनेश्वर का सफ़र खत्म हुआ और ये उरिया कपल जो हमें बाय चांस राम मंदिर में मिले और इनसे हमने बात करना शुरू किया इनका क्या रोल रहा इस उड़ीसा के ट्रैवल में और हमारी लाइफ में ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस उड़ीसा ट्रैवल सीरीज़ में